जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपने जो मुझे कुछ सवाल पूछे हैं यूपी पुलिस के रिगार्डिंग, तो मैं उसको एक बार क्लियर कर देता हूं आपके डाउट को। आप मुझे जो पूछ रहे हैं, वैसे ये सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा दमदार सवाल नहीं है, लेकिन कई बार जो क्योंकि कमेंट आपके आते हैं तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण देना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो आपने मुझे पूछा कि सर, क्या यूपी पुलिस में भी जैसे कि UP SSSC की जितनी वैकेंसी आएंगी उसमें जो है वो पैट जो है वो मांगा जाता है, लेकिन क्या यूपी पुलिस में भी आगामी जो भर्ती है क्या उसमें भी पैट मांगा जाएगा? देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ, UP SSSC और यूपी पुलिस ये दोनों ही डिपार्टमेंट अलग हैं। दोनों ही डिपार्टमेंट अलग हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं होता है कि साहब UP SSSC जिस तरीके से एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है या फिर जिस तरीके से फॉर्म फिलिंग की कंडीशंस होती हैं वैसे ही यूपी पुलिस में नहीं होती हैं। यूपी पुलिस अलग भर्ती बोर्ड है और UP SSSC अलग भर्ती है, लेकिन ऐसे में आपको ये समझना है कि UP SSSC में, अब आपको पता होगा एक नोटिस और आया है, वो भी मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। UP SSSC ने कहा है कि जो भी ये अभी इस महीने जो वैकेंसी निकली हैं तो उसके अंदर अगर आपको फॉर्म भरना है ना, जैसे मुहर्रर की जो वैकेंसी निकली है तो उसमें अगर फॉर्म भरना है, तो क्योंकि 1 साल तक जो वैलिड होता है पैट का स्कोर कार्ड, तो अब क्या उसे एक्सटेंड कर दिया है और ये जनवरी 2023 तक जो वैकेंसी है उनमें आप 2021 के ही पैट स्कोर से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो जो है उसका लास्ट जो 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो 1 साल जो है वो हो चुकी है उसे दिसंबर में, माफ़ी चाहूँगा नवंबर में हो चुकी है। तो ऐसे में अब जो जनवरी और फरवरी में ये जो वैकेंसी हैं तो उनके अंदर 2022 का स्कोर कार्ड लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया इसीलिए 2021 के स्कोर कार्ड को आगे जो है उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पैट जो है वो UP SSSC की वैकेंसी के लिए ही मांगा जाएगा, ना कि यूपी पुलिस के लिए। तो यूपी पुलिस की जितनी वैकेंसी होगी, कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो या कोई भी वैकेंसी हो यूपी पुलिस के रिगार्डिंग, तो उसमें जो पैट का कोई संबंध नहीं है। आपको पैट दो या मत दो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में याद रखिए, सिर्फ आपके पास में 12वीं पास होना चाहिए यदि आप कांस्टेबल के लिए भरेंगे, और सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है, ठीक है? आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यूपी पुलिस में पैट जो वो नहीं मांगा जाएगा, मैं बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ उस चीज़ को, और पहले भी मैंने शायद एक दो वीडियो में बता रखा है, आपने नहीं देखा होगा इसलिए आपको नहीं पता है, ठीक है? तो पैट का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये बात आप मान के चलिए, UP SSSC के लिए अगर वैकेंसी आपको देखनी है सिविल के अंदर, सिविल जिसमें भर्ती नहीं होता सिविल, तो ऐसे में आप ये याद रखिएगा कि आपका स्कोर जो है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। जितनी कम वैकेंसी निकलेगी, 200 300 500 1000, तो आपको पता, अगर मान लो 1000 के 20 गुना बुलाएंगे, 20 गुना मान लीजिए, है ना, वैसे 15 गुना लगभग होता है, 20 गुना, तो 20,000 बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा या फिर उनको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ऐसे में आपका स्कोर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आगे यदि आप, क्योंकि 2022 का हो चुका है, 2023 का जो पैट होगा उसकी आप तैयारी रखिएगा और आपका स्कोर जो वो अच्छा होना चाहिए, तो UP SSSC में पैट नहीं मांगा जाएगा, ठीक है? एकदम क्लियर कर लीजिएगा। एक बच्ची ने मुझे पूछा था कि सर, क्या एयरफोर्स का आगामी जो ये जो फॉर्म है या नेवी के हैं, क्या उसमें भी पैट मांगा जाएगा? देखिए, डिफेंस हो या फिर ये आपका यूपी पुलिस हो, इसके अंदर पैट नहीं मांगा जाता है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट बनता है तो आप पूछ लीजिएगा, समय रहते मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। जय हिंद।